जय हिंद साथियों, मैं पवन शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे थे संघ सरकार, क्या पढ़ रहे थे? संघ सरकार। संघ सरकार में हम देख रहे थे, लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो ये देखा था कि भाई सरकार किसे कहते हैं। सरकार हमने देखा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को ही क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। ये सरकार के तीन अंग होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, तीन स्तंभ होते हैं, तीन पिलर होते हैं। और हमने कहा चौथा पिलर मीडिया होता है। क्या होता है? मीडिया। और फिर हमने देखा कि हमारे देश में जो सरकार के प्रकार हैं, क्या देखे? सरकार के प्रकार। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार, सरकार के प्रकार। और हमने देखा कि हमारे देश में कितने प्रकार की सरकार है साहब? तीन प्रकार की सरकार है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की सरकार है। हमने देखा नंबर वन संघ सरकार। कौन सी? संघ सरकार, संघ सरकार। हमने देखा दूसरी राज्य सरकार। कौन सी देखी? राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। हम देख रहे थे तीसरी स्थानीय सरकार, स्थानीय नंबर तीन स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। इस तरीके से हम देख रहे थे। हमने देखा था कि जो संघ सरकार है वो संविधान के कौन से भाग में, तो हमने देखा जो संघ सरकार है वो भाग संविधान के भाग पाँच में उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? पाँच में। हमने देखा कि जो राज्य सरकार है इसका भाग संविधान के छः में किया गया है। किस में किया गया है? छः में। अगर बात करें तो हमने देखा कि जो स्थानीय सरकार है वो कितने प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार, ग्रामीण स्थानीय सरकार। दूसरी कहें शहरी स्थानीय सरकार, दूसरे नंबर की शहरी स्थानीय सरकार, स्थानीय गवर्नमेंट सरकार। इस तरीके से हमने देखा, हमने कहा कि जो हमारी ग्रामीण स्थानीय सरकार है ये संविधान के कौन से भाग में, ये भाग नौ में। कौन से में? भाग नौ। तो भाग नौ कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, भाग नौ में है। हमने देखा कि जो हमारी शहरी स्थानीय सरकार है ये कौन से भाग में, तो हमने देखा 9A में। किस में? 9A में है इसका उल्लेख। अब देखते हैं इनके जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक उल्लेख है। तो अगर बात करें कि जो संघ सरकार है ये अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख किया गया है, 52 से 151 तक इनका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें राज्य सरकार की तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 152 से 237 तक। अगर इनकी बात करें तो ये कौन से भाग में, नौ में। और हमने देखा था कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से 243 ओ तक इनका उल्लेख किया गया। अगर इनकी बात करें तो 243 पी से 243 जेड जी तक उल्लेख किया गया है। इनके लिए देखा अनुसूची कौन सी है,
अनुसूची, तो इनकी जो अनुसूची है वो 11 भी है, इनकी जो अनुसूची है वो 12 भी है। अनुसूची कौन सी है? 12 भी है। इसे कब जोड़ा गया और इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हमने देखा इसमें जो विषय हैं 11वीं में 29 विषय हैं, और इसमें जो विषय हैं वो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18। इसको हमने देखा कब जोड़ा गया, तो हमने देखा 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 1992। इसकी बात करें इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इन दोनों को एक साथ जोड़ा गया था। इस तरीके से हमने कहा था कि भाई कि कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कहीं पर किसी भी देश में हो, जहाँ कहीं भी सरकार है तो उसके कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। तो केंद्र सरकार के भी कितने होंगे साहब? 3 अंग होंगे। नंबर 1 कार्यपालिका, कार्यपालिका। नंबर 2 व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका, नंबर 3 न्यायपालिका। इस तरीके से हमने देखा इनको। अगर बात करें राज्य सरकार की, तो हमने कहा इसको भी कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। नंबर 1 राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। नंबर 2 राज्य की व्यवस्थापिका, और नंबर 3 राज्य की न्यायपालिका। न्यायपालिका इस तरीके से। अगर बात करें कि केंद्र की जो कार्यपालिका है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो हमने देखा 52 से 78 तक इसका उल्लेख है। अगर बात करें केंद्र की व्यवस्थापिका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 79 से 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो 124 से 147 तक इस तरीके से केंद्र की जो क्या न्यायपालिका है उसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 153 से और 167 तक। बात करें राज्य की व्यवस्थापिका की, तो 168 से 212 तक उल्लेख किया गया है। अब बात करें राज्य की न्यायपालिका की, तो 214 से और 237 तक राज्य की न्यायपालिका के बारे में उल्लेख किया गया। इस तरीके से हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारी संघ की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो देखो साहब, हम बात करें जैसे
हमने कहा था कि अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, कौन होगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, 53। और अनुच्छेद 52 के अनुसार कौन होगा भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका में, और अनुच्छेद 63 के तहत एक कौन होगा, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक कौन होगी, मंत्रिपरिषद होगी, कौन होगी साहब, मंत्रिपरिषद होगी, जो उसके कार्यों में उसे क्या देगी, सलाह और सहायता करेगी, क्या करेगी, सलाह और सहायता। तो पीएम प्लस मंत्रिपरिषद, हम देखेंगे आगे जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। और एक अनुच्छेद है 76, ये कहता है भारत का कौन होगा, महान्यायवादी होगा, कौन होगा, महान्यायवादी। और ये केंद्र सरकार को कैसी, क्या होगा, केंद्र सरकार का वकील होगा, क्या होगा, वकील। ये केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, ये केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को कानूनी, कानूनी सलाह देता है, सलाह देता है, क्या देता है, कानूनी सलाह देता है, कौन, महान्यायवादी। तो अभी हम देखते हैं कि देखो केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन पांच के अलावा कोई भी कार्यपालिका में शामिल नहीं होगा। अगर इस तरीके से सवाल आता है कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो इन पांच के अलावा और कोई शामिल नहीं है। हमें पांच को याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये केंद्र की कार्यपालिका में होते हैं। अब महान्यायवादी को क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि महान्यायवादी हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार में इसलिए शामिल होता है क्योंकि केंद्र सरकार का ये वकील होता है, उसका एडवाइजर होता है, केंद्र सरकार की कानूनी विधि संबंधी जो भी समस्या होती है उनको हैंडल कौन करता है, ये महान्यायवादी हैंडल करता है। इस तरीके से हमने इसको देखा। अगर हम आगे बात करें कि फिर राज्य की व्यवस्थापिका में कौन कौन होता है, तो हमने इसको देखा कि अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की कौन होगी, एक संसद होगी, कौन होगी साहब, संसद होगी। अनुच्छेद 79 कहता है भारत की एक कौन होगी, संसद होगी। और संसद के कितने सदन होंगे, दो होंगे, नंबर एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, राज्य सभा। अगर बात करें लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, इसमें उल्लेख किया गया है। और ये दोनों संसद के क्या माने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों संसद के सदन हैं। तो संसद के सदन कितने हुए, दो, लोकसभा और राज्यसभा। परंतु हमने कहा था कि राष्ट्रपति की संसद के अंग तो दो हो गए, लोकसभा राज्यसभा दो सदन हो गए, परंतु संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो इसमें शामिल कौन हो जाएगा, तो इसमें शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय, कौन शामिल हो जाएंगे, राष्ट्रपति। तीसरा इसमें जो होगा वो होगा साहब राष्ट्रपति, कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को। यानी अगर कहें कि संसद किन किन से मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद के कितने सदन हैं, तो दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन हैं, परंतु मिलकर किन किन से बनती है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को विधायिका का अंग माना जाता है, संसद का अंग माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद, राष्ट्रपति यह भी लिख लेते हैं अनुच्छेद 123, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद
123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, के तहत अध्यादेश जारी करता है, जारी करता है, क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का। और अध्यादेश को राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति मानी जाती है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं केंद्र की न्यायपालिका। तो जो केंद्र की न्यायपालिका है उसका जो नाम है उसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। इसका गठन अनुच्छेद 124 में है कि भारत का एक कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसका नाम क्या है, उच्चतम न्यायालय। इसे शॉर्ट में SC यानी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इस तरह से हमारी केंद्र सरकार क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की। किसकी बात करते हैं, राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार में हमने कहा कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है। तो देखो, एक हमारा अनुच्छेद है 153, कौन सा है 153, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का कौन होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का कौन होगा, राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्यों में कौन होता है साहब, राज्यपाल होता है। केंद्र में, केंद्र का जो कार्यपालिका प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। यानी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है साहब, राज्यपाल होता है। कौन होता है, केंद्र की, सॉरी राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। ये हमने साफ प्रावधान कर दिया। तो प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका, राष्ट्रपति, अब सॉरी राज्यपाल। एक अनुच्छेद है 163, ये कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहायता देने के लिए एक राज्य मंत्री परिषद होगी। कौन होगी साहब, राज्य मंत्री परिषद होगी जो राज्यपाल के कार्यों में सहायता करेगी। और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो होगा मुख्यमंत्री, जिसे हम CM कहते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका में और शामिल कौन होगा, CM प्लस मंत्री परिषद CM प्लस मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद होगी। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल, नाम मात्र का होता है। वास्तविक कौन होता है, CM होता है, रियल मुख्यमंत्री होता है। इनको देखेंगे उस समय जब पढ़ेंगे भी, अगली क्लास यही है। बात करें कि और इसकी कार्यपालिका में, तो एक अनुच्छेद है 165, यह कहता है कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और यह क्या होता है, यह राज्य सरकार का वकील होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का वकील होता है। यह राज्य सरकार को, यह राज्य सरकार को, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है। जिस तरह से केंद्र का जो वकील या कानूनी सलाहकार होता है उसका नाम है महान्यायवादी, और राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है या राज्य का वकील होता है उसे कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इस तरीके से यानी राज्य का, हम बात करें राज्य का जो वकील है या राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो राज्य का जो कानूनी सलाहकार होता है उसका नाम है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। और केंद्र का जो कानूनी सलाहकार है वो होता है साहब कौन, महान्यायवादी। कौन होता है, महान्यायवादी। इस तरीके से हम बात करें
कि केंद्र की कार्यपालिका में, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हो, सॉरी केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन, तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और माननीयवादी। परंतु राज्यों में उपराज्यपाल होता नहीं है। अब कई लोग सोच रहे हो सर जो दिल्ली के तो उपराज्यपाल होता है, अरे भैया राज्यपाल के पद को ही वहां उपराज्यपाल कहते हैं, कई जगह गवर्नर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गवर्नर, तो है तो राज्यपाल ही, बाकी उसके पद का नाम क्या है, पद का नाम है उपराज्यपाल, क्या नाम है, उपराज्यपाल। तो देखो केंद्र में कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्य में राष्ट्रपति के समान राज्यपाल, परंतु केंद्र में एक उपराष्ट्रपति होता है, राज्य में उपराज्यपाल नहीं होता। केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, केंद्र में जैसे माननीयवादी, ऐसे ही राज्य में महाधिवक्ता, यानी केंद्र में के एक उपराष्ट्रपति प्लस है, अधिक है, बाकी राज्य में उपराज्यपाल का पद होता ही नहीं है। तो राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इनके अलावा राज्य की कार्यपालिका में कोई और शामिल नहीं होता, कोई और शामिल नहीं होता। इस तरीके से ये बात हुई हमारी क्लियर। अब बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका की, राज्य की व्यवस्थापिका की, तो राज्य की जो व्यवस्थापिका है, राज्य की व्यवस्थापिका है उसमें देखो, हमने कहा कि राज्य की व्यवस्थापिका कहाँ से शुरू होती है, 168 से 212 तक, कहाँ तक, 168 से 212 तक राज्य की व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। देखो हमारा एक अनुच्छेद है 168, ये कहता है प्रत्येक राज्य में कौन होगा, विधानमंडल, विधानमंडल। जिस तरीके से केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। जिस तरीके से केंद्र में कौन होती है, संसद होती है, उसी तरीके से राज्य में कौन होता है, विधानमंडल होता है। कौन होता है साहब, विधानमंडल होता है। जिस तरीके से केंद्र में कौन होती है, संसद, उसी तरह राज्य में कौन होता है, विधानमंडल। और विधानमंडल के दो सदन हैं, कितने सदन हैं, दो, नंबर एक विधानसभा, विधानसभा, नंबर दो विधान परिषद, विधान, नंबर दो विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में किया गया है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों सदन होते हैं, दोनों क्या है, ये सदन है। जिस तरह संसद के दो सदन हैं, ऐसे ही विधानमंडल के कितने सदन हैं, दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरीके के केंद्र में लोकसभा होती है उसी तरह के राज्य में विधानसभा होती है। जिस तरीके से केंद्र में संसद लोकसभा होती है, क्या होती है, लोकसभा, उसी तरीके से राज्यों में कौन होती है, विधानसभा। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद होती है। अब ये कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है, वहाँ पर कुंभाजीटी था, अभी देखेंगे। अब ये दिमाग लगा रहे, लगाते रहो, तुम्हारे काम है ये दिमाग लगाना। तो अगर हम बात करें कि दोनों सदन, तो ये विधानमंडल के क्या हैं, दो सदन हैं। विधानमंडल के सदन कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ये दो सदन हैं। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में और विधान परिषद का उल्लेख है वो अनुच्छेद 171 में किया गया है। कौन से में किया गया है, 171 में। विधान
परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 171 में और विधानसभा का उल्लेख 170 में किया गया है। ये दोनों विधानमंडल के क्या हैं? सदन हैं। परंतु हम कहें कि विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो इसमें शामिल हो जाएगा राज्यपाल। कौन शामिल हो जाएगा साहब इसमें? तो कौन शामिल हो जाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल शामिल हो जाएगा। क्या कौन शामिल हो जाएगा? राज्यपाल। जैसे केंद्र की संसद में कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य के विधानमंडल में कौन शामिल होता है? राज्यपाल। अगर हम कहें कि विधानमंडल के कितने सदन हैं? दो। अगर हम कहें विधानमंडल के कितने अंग हैं? तीन। तो तीसरा अंग बढ़ जाएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल देखो इसका सदस्य नहीं होता परंतु विधानमंडल का अंग होता है। क्या होता है? अंग नहीं, हविन अंग होता है, पार्ट होता है उसका। परंतु राज्यपाल कभी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता परंतु संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, हविन अंग होता है, पार्ट होता है। अब राज्यपाल क्यों? क्योंकि जिस तरीके से अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। उसी तरीके से राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। कौन? राज्यपाल। तो अभी देखो यहां पर 213 आ गया और यहां पर 123 आ गया, तो अब तो टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी तरीके से राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। इस तरीके से हमारी राज्य की व्यवस्थापिका हुई कंप्लीट। अब बचती है राज्य की न्यायपालिका। क्या बचती है साहब? राज्य की न्यायपालिका। देखो राज्य की जो न्यायपालिका है वो दो तरीके की होती है। राज्य की न्यायपालिका भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होता है उच्च न्यायालय या जिसे हाई कोर्ट, और एक होता है राज्यों में जिला कोर्ट। यानी हम बात करें केंद्र की न्यायपालिका एक ही तरीके की होती है। केंद्र की न्यायपालिका केवल एक ही तरीके की होती है, परंतु राज्यों की जो न्यायपालिका है वो दो टाइप की होती है, उनको देखते हैं। देखो साहब जो राज्य की न्यायपालिका है उसको हम कितने भागों में बांट लेते हैं? दो। नंबर एक उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसे हम शॉर्ट में हाई कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को। दूसरा है जिसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट न्यायालय, जिला न्यायालय, डीजे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से राज्य की न्यायपालिका भी कितने तरीके की है? दो तरीके की है। कितने तरीके की है? एक है उच्च न्यायालय, दूसरा है जिला कोर्ट। अगर उच्च न्यायालय की बात करें अनुच्छेद की, तो देखो इसका जो उल्लेख है वो 214 से 232 तक है। 232 तक किसका उल्लेख किया गया है? यानी 214 से लेकर के 232 तक कौन से कोर्ट का उल्लेख किया गया है? तो वो कोर्ट है हमारा कौन सा? हाई कोर्ट। कौन सा है? हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 214 से 232 तक। अगर बात करें जिला कोर्ट की अनुच्छेद की, तो जो इसका उल्लेख है वो है 233 से 237 तक। 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। यानी हम राज्य की न्यायपालिका की बात करें, तो राज्य की जो न्यायपालिका है, राज्य की न्यायपालिका को हम दो भागों में बांट लेते हैं।
एक उच्च न्यायालय और एक जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 से लेकर के 232 तक किया गया है और जिला न्यायालय का उल्लेख, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख 233 से 237 तक किया गया है। एक बार इसको समझते हैं। देखो साहब, अगर बात करें संघ सरकार तो कौन से भाग में, पांच में। अगर बात करें राज्य सरकार तो कौन से भाग में, छह में। अगर बात करें ग्रामीण स्थानीय सरकार, भाग नौ में। अगर बात करें शहरी स्थानीय सरकार, भाग नौ ए में। अगर बात करें हमारी जो संघ सरकार है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से 151 तक, 52 से 151 तक। अगर बात करें राज्य सरकार तो 152 से 237 तक। अगर बात करें ग्रामीण स्थानीय सरकार तो 243 से 243 ओ तक इसका उल्लेख किया गया। अगर बात करें शहरी स्थानीय सरकार तो 243 पी से 243 जेड जी तक इसका उल्लेख किया गया। इसके लिए 11वीं अनुसूची है ग्रामीण स्थानीय सरकार, शहरी स्थानीय सरकार के लिए 12वीं अनुसूची है, और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए कितने विषय, 29, शहरी के लिए 18 विषय। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अगर बात करें केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख 52 से 78 तक किया गया है। जो केंद्र की कार्यपालिका है उसका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, 52 से 78 तक। बात करें राज्य की व्यवस्थापिका, सॉरी केंद्र की व्यवस्थापिका का उल्लेख 79 से 122 तक किया गया, 122 तक किया गया। अगर बात करें केंद्र की न्यायपालिका की 124 से 147 तक किया गया है। और हमने कहा था कि 148 से लेकर के 151 तक सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। सीएजी भाग पांच में तो आता है परंतु केंद्र सरकार में नहीं आता, क्योंकि हम कहीं भी इसे केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर बात करें केंद्र की कार्यपालिका में तो 52 के अनुसार भारत का कौन होगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 में कहते हैं कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी, तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। अब अनुच्छेद 63 में भारत का कौन होगा, उपराष्ट्रपति, ये भी कार्यपालिका में शामिल होता है। 74 के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसमें शामिल होते हैं, केंद्र की कार्यपालिका में, और महान्यायवादी भी केंद्र की कार्यपालिका में शामिल होता है। केंद्र की व्यवस्थापिका, केंद्र की व्यवस्थापिका 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख है। और 79 के अनुसार भारत की कौन होगी, संसद। संसद के दो सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का 81 में। ये दोनों ही संसद के क्या होंगे, सदन होंगे। और संसद किन-किन से मिलकर बनेगी, तो इसमें कौन शामिल हो जाएगा, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। अब बात करें केंद्र की न्यायपालिका, तो केंद्र की न्यायपालिका का जो नाम है उसका नाम है उच्चतम न्यायालय। क्या, उच्चतम न्यायालय, जिसे एससी से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं साहब, सुप्रीम कोर्ट। अब आती है राज्य सरकार है, तो राज्य सरकारों का उल्लेख भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत, राज्य के या राज्य की इसमें परिभाषा दी गई है, राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य शामिल नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना अलग से संविधान था, उसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान था। मैं बार बार था बोल रहा हूँ, इसका मतलब था, अब नहीं है। यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर का संविधान था उसका कोई महत्व रहा नहीं, रहा उसके अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाएगी। अब उसकी शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुसार चलाई जाएगी, अर्थात जम्मू कश्मीर को जिस तरह से भारत के केंद्र राज्य हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर भी एक राज्य बन गया है। और जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब उसे राज्य से क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बनाई दिया गया है। क्या बना दिया गया है, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। अब और उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 152 कहता था कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, तो अब इसका मतलब ये है कि राज्य के अंतर्गत जम्मू कश्मीर भी आएगा। तो अनुच्छेद 152 में सामान्य बातें कही गई हैं राज्यों के बारे में।
बात करें राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से शुरू होती है और 153 से शुरू होती है 167 तक, क्योंकि 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कौन होगा, एक राज्यपाल होगा। तो राज्य की राज्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में 153 के तहत कौन होगा, राज्यपाल। और राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। सारी कार्यपालिका शक्ति राज्य की किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। 163 कहता है कि राष्ट्रपति को और सलाह और सहायता, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, राज्य मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। तो सीएम और मंत्री परिषद कार्यपालिका में। और 165 के अनुसार राज्य सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए एक कौन होता है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। कौन होता है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। इस तरीके से हम बात करें राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता केवल 4 शामिल होते हैं, इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका में कोई शामिल नहीं होता। इस तरीके से सवाल आए कि कौन शामिल नहीं होता, तो इनके अलावा जो भी है वो इसमें शामिल नहीं होता। अब बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका की, राज्य की व्यवस्थापिका की। तो 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य विधानमंडल होगा, क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा, और राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनेगा, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा होती है वैसे ही राज्यों में विधानसभा होती है, जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद होती है। इनमें दोनों में कुछ अंतर भी हैं, अंतर हैं वो जब हम राज्य विधानसभा पढ़ेंगे, जब इन अंतरों को देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या अंतर नहीं है, क्या क्या समानताएं, इस तरीके से हम जब अभी राज्य विधानसभा, जब राज्य सरकार पढ़ेंगे, जब इनको देखेंगे तो हम बात करते हैं। और जो राज्य विधानसभा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, विधान परिषद का उल्लेख 100 किस में किया गया है, 171 में किया गया है। अब केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, कुंभा के से, कर्नाटक यू से, उत्तर प्रदेश एम से, महाराष्ट्र ए से, आंध्र प्रदेश, केवल 6 ही राज्यों में, तेलंगाना में भी है। तो कितने राज्यों में, कुंभा टी यानी केवल 6 राज्यों में, पहले 7 में थी, अब कितने में रह गई, 6। इस तरीके से जब देखेंगे इनको, ठीक है साहब। और हमने देखा कि विधानमंडल के सदन तो कितने हैं, 2 हैं, विधानसभा और विधान परिषद, परंतु विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, राज्यपाल सब विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि मैंने एक आधार तो वहाँ बताया, तो एक यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि अनुच्छेद 123 के तहत, 213 के तहत राज्यपाल क्या जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश का वही अर्थ होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की एक विधायी शक्ति है, कैसी शक्ति है, बोले वाले हो विधायी। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, तो जो राज्य की न्यायपालिका है वो 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 2, एक उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, एक जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 से 232 तक किया गया है, और जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख 233 से 237 तक किया गया। देखो ये हमारी कहानी हुई, मैंने कहा था अगर कोई भी एग्जाम होता है, चाहे आरएएस का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे मास्टर का, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अगर यहां से 5 सवाल नहीं आते हैं तो एग्जाम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, उस संस्था को, उस बॉडी को एग्जाम द्वारा कराना पड़ेगा। अगर यहां से 5 सवाल नहीं देता, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां से कितने सवाल आएंगे, 5। और मैं एक और शर्त बताता हूं, मैं एक के साथ एक फ्री पढ़ाता हूं, क्या करता हूं, बोले वाले हो, एक के साथ एक फ्री। तो देखो एक के साथ एक फ्री कैसे, एक के साथ एक फ्री कैसे, देखो अगर आपको केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अनुच्छेद याद हो गए, यानी केंद्र सरकार के अनुच्छेद याद हो गए, तो राज्य सरकार के अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएंगे, अर्थात आपने ये वाला पार्ट पढ़ लिया तो ये वाला पार्ट अपने आप पढ़ जाएगा। परंतु फिर भी मैं दोनों को पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। देखो हम बात करते हैं कि केंद्र में कौन होगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तो इसमें कितना जोड़ेंगे,
89 जोड़ेंगे तो आ गया 163। यानी यहां पर देखो, यहां की बात यहां हो रही है, अगर हम केंद्र के अनुच्छेद में कितना जोड़ दें 89, तो किसका निकल आएगा? राज्य का। यानी 74 कहता है कि केंद्र में एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति को सलाह देगी। और 163 क्या कहता है? राज्य में एक राज्य मंत्री परिषद होगी, उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा और ये मंत्र राज्यपाल को क्या देंगे? सलाह। इस तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा महान्यायवादी। तो केंद्र का जो सरकार का वकील होता है उसे क्या कहते हैं? महान्यायवादी। तो राज्य का वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। अर्थात जो बात 76 में कही गई है वो बात किस में कही गई है? 165 में। हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में कहता है कि पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो 75 में कितना जोड़ दो? 89, तो कितना आ गया साहब? 164। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? 164 के तहत राज्यपाल करेगा। इस तरीके से आप याद रखते हैं। अब बात करते हैं एक अनुच्छेद 78 जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, यदि इसमें 89 जोड़ दें तो हो गया 167। तो इसमें किसके कर्तव्य आ गए? मुख्यमंत्री के कर्तव्य आ गए। इस तरीके से हम सारे के सारे अनुच्छेदों को पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जितने भी हैं ज्यादातर अनुच्छेद 90% को इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और ये हुई हमारी क्लास कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।